गाइस अब हम चलने वाले हैं, लेट्स सी हाउ द राइड गोज। इज दिस फकिंग नॉर्मल? फक या भाई, आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। R1 वेनम एंड आशीष माय लवली ब्रदर, भाई हर बार आ जाता है, जब बोलो एवरी टाइम ही मेक्स श्योर दैट ही गेट सम टाइम आउट फॉर आवर व्लॉग्स फॉर अस फॉर द यूट्यूब फैमिली। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस व्लॉग, लेट्स सी क्या जबरदस्त चीज आने वाली है। रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं बता सकता क्या आ रहा है, बट कुछ जबरदस्त ही आ रहा होगा। और ये ऐसे ऐसे हम निकलते हैं कभी कभी जब हमारा मन करता है, बीच बीच में। आशीष भाई जा रहा है, वेनम भाई, आशीष भाई, आज तबाही होगी, तबाही। आज का व्लॉग होगा कातिल, क्योंकि आज बैरन फैमिली ये सारा का सारा व्यू देखेगी, और उसके साथ में वेनम अपनी खतरनाक लीन्स की इलाज नहीं करेगा बिकॉज ही इज नॉट वेयरिंग द कंप्लीट जैकेट। आशीष आपको इसमें दिख रहा होगा, पीछे आ रहा है धीरे धीरे। एंड आज जो खतरनाक सीन होने वाला, आज जो शॉर्ट्स आएंगे इंस्टा 360 पे, वो आपने कभी भी नहीं देखे होंगे, कभी भी नहीं देखे होंगे। आंखों से आंसू निकल गए हैं, आंसू। भाई लोग कहाँ हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं, बिल्कुल मस्त माहौल। बंदों से पूछते हैं रुकना, रोकना है यहाँ, चलो। आशीष कहाँ है? आशीष पीछे है ना, स्कूटी पर है, कहाँ गया ये रे? हम आशीष को ढूंढ रहे थे, आशीष पीछे रह गया था। क्या बात है यार, मतलब ऐसा है ना कि अगर आपको R1 चलानी है और लाउड एग्जॉस्ट है तो एयर प्लग्स लगाने पड़ेंगे। बस आई होप आवाज अच्छी आ रही हो, क्योंकि सब आवाज का खेल आया है। छपरी लोग हैं जिनके बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ, दीज आर द सेम छपरी पीपल। ओ भाई ये क्या कर रहा है, छपरी कहीं का? अरे दिमाग ही तो नहीं है इनमें, इनको लगता है क्लोज कॉल करने से ये राइडर बन जाते हैं। साले अंडे छिलके से निकले नहीं है, वो आपको सिखाने आए। कसम से ना, जम्मू में ऐसे से छपरी पर रखे ना, चलो। Those are the kids and we are the pops. Kids pop, keeps pop, kicks pop. चलो।
जो चीखे निकली हैं 200 200 200। हम इंस्टा 360 को पीछे लगा चुके हैं, आगे हम अपना दूसरा वाला गोप्रो लगा चुके हैं, दोनों वॉइसेस को हम क्लब करेंगे और देखेंगे क्या बवाल मचेगा। भाई लग तो खतरनाक रहा है यहाँ से पीछे की तरफ लटका हुआ, और बाकी तो फिर उस रोड पे ही पता चलेगा। थोड़ा सा जल्दी निकलते तो शॉट्स और अच्छे आते, बिकॉज एज ही सेड कि थोड़ा अंधेरा हो जाएगा एंड उसकी बाइक में लाइट भी नहीं है आगे की तरफ, मतलब ज़्यादा वाली लाइट नहीं है, कम वाली लगा रखी है, बिकॉज दैट इज़ हाउ वी मॉड एंड व्हेन वी मॉड वी डू इट द वैनम स्टाइल, है ना वैनम। भाई ये किडनैपिंग वाली वैन इन्होंने आधी खुली छोड़ रखी है, ये बंदा ऐसे करके पुच करके अंदर ही ले लेंगे इसके। अमेजिंग वीडियो आ रही होगी, आई एम वेरी सर्टेन। बिकॉज हम हैं ही ऐसी चीज, दिस इज द बैरन अल्फा स्टाइल एंड दिस इज हाउ वी रोल, दिस इज हाउ वी रोल। मुझे तो ये भी नहीं पता कि R1 की साउंड की वजह से आप लोगों को साउंड आ भी रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी साउंड बहुत ही लाउड है। और ये हमारे वैनम भाई आगे जाते हुए हमें सिग्नल कर रहे हैं कि भाई अभी नहीं आना, खतरनाक लीन करते हुए, लीन मशीन। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, वहाँ पे बहुत अच्छे शॉट्स आते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम व्लॉगिंग, आई नो, आई होप द व्लॉग इज कमिंग गुड। गोल्डन आवर, व्हाट अ प्लेस भाई, मजा आ गया। पीछे से क्या खतरनाक लग रही है ये, उफ, इसमें भी 240 का टायर डल जाएगा तो बवाल ही मच जाएगा। हाँ जी, ऑन हो गया है, हम निकल गए हैं। अब मुझे नहीं पता इसमें कुछ दिखेगा भी नहीं दिखेगा, बिकॉज घना ही अंधेरा हो रखा है।